लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई से परेशान लोगों को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में 200 रुपए की कटौती कर दी है। यानी अगर आप अपने क्षेत्र में अब तक 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे तो वो अब आपको 900 रुपए का मिलेगा। बाकी आपके क्षेत्र में जितने भी दाम हैं उससे 200 रुपए कम अब आपको देने होंगे। ये कीमतें 30 अगस्त से ही लागू हो गई हैं और अब इन्हीं कीमतों पर सिलेंडर आपको मिलेगा। हालांकि इसको चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आप जानते ही हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है और विरोधी दल इस मुद्दे को भुनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही हैं। उनका कहना है कि राहत नहीं दी है बल्कि जनता को फंसाने के लिए मोदी सरकार ने ये चाल चली है, जबकि आम जनता मोदी सरकार के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश है। लोगों का, खासकर गृहिणियों का क्या कुछ कहना है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद से ही वो ट्रोल हो रही है। उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आप जान लीजिए। राजदीप सरदेसाई ने लिखा, एलपीजी प्राइसेस कट बाय ₹200, मोदी गवर्नमेंट कॉल्स इट एन ओनम एंड रक्षा बंधन गिफ्ट, नेक्स्ट मंथ इज गणेश चतुर्थी, देन नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, होपफुली मोर गिफ्ट्स राउंड द कॉर्नर, द रियल फेस्टिवल इज इलेक्शंस वेयर प्रिज्यूमली द गवर्नमेंट इज होपिंग फॉर अ बैक प्रेजेंट गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ए वोट। साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में बहुत सारे त्योहार हैं, उम्मीद है सरकार ऐसे ही तोहफे जनता को देगी ताकि बदले में रिटर्न गिफ्ट वोट के तौर पर उन्हें मिल सके। राजदीप सरदेसाई, जिनको मोदी विरोधी के तौर पर जाना जाता है, जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, राजदीप व्हेन यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक जर्नलिस्ट। एक और यूजर ने लिखा, दिस गाय हैज ओनली टू टेम्पलेट्स, इफ प्राइसेस आर रिड्यूस्ड ही विल से इट इज फॉर वोट्स, इफ प्राइसेस आर नॉट रिड्यूस्ड ही विल से गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर द पुअर, ही विल कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन दीज टू टेम्पलेट्स टिल इटर्निटी। एक और यूजर ने लिखा, यू विल ऑलवेज हैव अ क्रिब, इफ मोदी सेज ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड लेट आउट CO2 यू विल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट टू। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, यू नेवर सेड अ वर्ड फॉर केजरीवाल जी ऑन हिज फ्रीबीज, सो यू ओनली हेट मोदी जी। तो देखा आपने किस तरह से लोगों ने राजदीप सरदेसाई को आईना दिखाने का काम किया। बहरहाल जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में कटौती हुई है उसको लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है, अब जरा आप वो भी सुन लीजिए। अच्छा लगा क्योंकि सिलेंडर के लिए सब महिलाएं बहुत तकलीफ फील करता है, जैसे कि सिलेंडर का दाम बढ़ने से तो सब चीज़ का दाम बढ़ जाता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। मैं मोदी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि कल तो रक्षाबंधन हुआ है, तो रक्षाबंधन के लिए फिर कंटिन्यूस बेसिस किया है जो सिलेंडर का दाम कमाया, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा फील कर रही है। राहत तो देगा, 200 रुपए भी कम नहीं होते हैं, यदि घट गया है तो राहत तो देगा, लेकिन हर तबके के लोगों को बहुत रिलीफ फील हो ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी कहीं का सुनी कि 500 रुपए सिलेंडर हो गया है, उस तरह की स्थिति होगी तब जो है काफ़ी निम्न तबके के लोग उनको बहुत राहत महसूस होगी, लेकिन ऐसे आम लोगों को तो 200 रुपये ठीक लगेगा कि चलो कुछ तो कम हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राहत की बात तो है। कम करे तो अच्छा लगता, उसके बाद पहले तो 1150 होता, 260 रुपये, अभी कम लिया तो अच्छा। अभी 200 रुपये कम किया, अभी कितना कम करना चाहिए? उनको 500 कम करना चाहिए। 500 कम, मैं तो उम्र हो गया तो 500 कम करेंगे, मेरे को दिल में ऐसा है तो 200 कम कर रहे तो ठीक है। अब इस पूरे मामले पर अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। भी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे, और आज मैं कहना चाहता हूँ जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9.6 करोड़ उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है,
रक्षाबंधन पर देशभर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर, इनके जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपए सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी।